तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास पर। तो आप तो इससे इस क्लास से पहले हमने चर्चा की थी ओम्स लॉ के बारे में और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, डेरिवेशन कैसे निकाले थे। इसके बाद तो हम प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग पर आधारित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये होते हैं सीरीज ऑर्डर और होते हैं पैरेलल ऑर्डर में। तो सीरीज ऑर्डर को श्रेणी क्रम में कहते हैं और पैरेलल ऑर्डर को कहते हैं समांतर श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम सीरीज ऑर्डर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सीरीज ऑर्डर को परिभाषित करेंगे और देखेंगे कि सीरीज ऑर्डर को कैसे हम समझ सकते हैं। तो सीरीज ऑर्डर को सबसे पहले समझने के लिए क्या करना है कि जब हम परिपथ में देखते हैं कि दो या तीन रेजिस्टेंस हों या फिर उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हों, ठीक है, तो उनको हम कैसे हल करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या है परिपथ और ये हमारे क्या हो जाएंगे रेजिस्टेंस प्रतिरोधक, ठीक है। ये हमारा क्या है परिपथ है, ये हमारी होगी बैटरी, ठीक है। और इस पे कौन सी धारा बह रही है, आई, आई धारा बह रही है, ठीक है। आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक। और ये हमारी होगी बैटरी और इस पे जो वोल्ट मीटर लगे होंगे, ठीक है, इसमें भी एक वोल्ट मीटर लगा होगा जिसे V1 कहेंगे, क्या कहेंगे V1। V2 वाले में लगा होगा तो क्या कहलाएगा V2, क्या कहलाएगा V2 कहलाएगा। और इसमें लगा होगा तो क्या होगा V3, ठीक है। और इसका भी तो कोई वोल्ट होगा ना बैटरी का, ठीक है, तो हम वोल्ट V, ठीक, सिर्फ V मानेंगे ना, टोटल होगा तभी इन सबका योग भी तो कहलाएगा टोटल, ठीक है। जिसे माना यह है एक, इसका एक वोल्ट है, इसका दो वोल्ट है, इसका तीन वोल्ट है, ठीक है, तो जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा क्या होगा छः वोल्ट होगा, समझे। तो उदाहरण के लिए हम मैंने इतना बताया था, जैसे कि ऐसे करेंगे इसको, जब हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, अभी तो पता चल पाएगा कि इनका योग ये है, ठीक है, समझे। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, देखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक, क्योंकि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो तीन कर लेंगे। इस फार्मूले को नोट करना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं। तो V बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, आई आर होता है कि नहीं, और हम सीरीज वाला ऑर्डर कर रहे हैं, सीरीज ऑर्डर, तो यहाँ क्या करेंगे सीरीज एस बनाएंगे, ठीक है, समझे। अब देखेंगे कि वी आई है, सॉरी वी वन है, क्या है वी वन, तो यहाँ पर क्या इसका बनेगा आई आर वन। हम आई में क्यों नहीं एक लिख रहे हैं, क्योंकि जो देखो आई जो प्रवाहित हो रही है सब में आई समान धारा है ना, यहाँ पर भी आई है, ये भी धारा आई ही तो बह रही है, यहाँ पर भी आई धारा बह रही है ना, पूरे में कौन सी धारा बह रही, सिर्फ आई, ठीक है, आई वन नहीं बह रही है ना आई टू बह रही है, ठीक है, सिर्फ एक ही धारा है आई, तो प्लस V2 है, इसका क्या हो जाएगा आई आर टू बनेगा और इसका आई आर थ्री। और ये हम R में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए क्या हो जाएगा आई आर वन होगा ना, आर वन आई आर टू आई आर थ्री, इतना समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। इसके बाद थोड़ा और हल करेंगे, आई आर यस, इन तीनों में आई कॉमन मिल रहा है और R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना हो जाएगा, समझ में आया ना। इतना हो जाने के बाद जो I I है इसको काट देंगे, तो R S बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना होगा, ठीक है। यानी हमारा सीरीज ऑर्डर का फॉर्मूला जो बनेगा R S बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, ऐसे करके ये परिपथ बना होगा, ऐसे ये परिपथ बना है, ठीक है, ये परिपथ बना होगा पूरा, ठीक, प्रश्न में, ठीक है, और पूछ देगा कि इसमें
कुल प्रतिरोध कितने हैं, कुल प्रतिरोध की संख्या बताओ, ठीक है, या फिर कह देगा कुल प्रतिरोधकों की मान बताओ, ठीक है। ठीक, तो क्या करोगे तुम, ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है, अगर इस फॉर्म में होगा तब, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आ गया तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पैरेलल ऑर्डर की तरफ। पैरेलल ऑर्डर का मतलब समांतर श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। इतना हो जाने के बाद नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इतना समझ में आ गया तो इसको नोट भी कर लिया है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब साफ करने के बाद हम पैरेलल ऑर्डर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पैरेलल ऑर्डर के बारे में, इसको साफ कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी क्रम, पैरेलल ऑर्डर को कहते हैं समांतर श्रेणी क्रम, ठीक है। इतना, अब इसको भी हम सर्किट के अनुसार समझेंगे बनाकर। तो जैसे कभी भी प्रश्न में ऐसा करके दे दे, एक ये रेजिस्टेंस, ठीक, और यहीं से निकाल दे एक ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक और निकाल दे ऐसे एक ये रेजिस्टेंस, ठीक, और ये क्या है, परिपथ है, ठीक है, तुम्हारा ये पूरा परिपथ है, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा ऐसे, ठीक। यहाँ तुम क्या मान लो, कुंजी है, क्या है, प्लग, ठीक है, ऑन ऑफ वाला बटन कह लो, ठीक है, ये तुम्हारी बैटरी हो गई, ठीक, प्लस माइनस, समझे, इस पे धारा बह रही है, समझे, ऐसे धारा बहती है, कौन सी धारा, आई, आई बहती है, ठीक, आई बहती है, लेकिन क्या, लेकिन, ठीक है, जब यहां से जाएगी ये धारा कहां से, इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आई वन, क्या होगी, आई वन, क्या हो जाएगी, आई वन, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, दिशा, इधर को नीचे को आने लगा, तो इसकी धारा कितनी हो जाएगी, आई टू, क्या होगी, आई टू, ठीक है, और ये अलग वाले इसमें आएगी धारा, तो क्या हो जाएगी, आई थ्री, ठीक है, और ये क्या थे, आर वन, आर टू, और ये आर थ्री, समझ रहे हो, तो ये धारा ऐसा करके जाएगी, ठीक, समझे, ये कौन सी धारा थी, आई वन, आई टू, और ये आई थ्री, ठीक है, ऐसे धारा जाएगी, ठीक है, जब तीनों धारा जाएंगी ना ऐसे नीचे, समझे, बस इतना समझ में आया ना, ठीक है, तब तो इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, लेकिन इधर देखो, जब ये एक ही बो में है, क्या कहें, समांतर है ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, समांतर क्रम में है, तो इनका जो वोल्ट मीटर होगा, क्या होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट वी, क्या होगा, वी, ठीक है, जो वी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, वी वन वी वी टू करके नहीं होगा, इसका वोल्ट मीटर क्या होगा, इसका वी होगा, और इसका भी वी होगा, ठीक है, समझे, इसका भी क्या होगा, V होगा, ठीक, समझे, इन तीनों का वोल्ट मीटर क्या होगा, V, ठीक, तो इस समान होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, इसमें अब देखेंगे कि I, I बदल रहा है ना, I1 हो जा रहा है, I2 हो जा रहा है, और I3 हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या लेना है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। देखो उसमें हमारा क्या था,
वोल्ट मीटर था, सीरीज ऑर्डर वाले में क्या था, सीरीज ऑर्डर में, सीरीज में क्या था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करके था ऐसे, ठीक है, ऐसे करके था, तो उसमें वोल्ट मीटर समान थे ना, वो सॉरी वोल्ट मीटर क्या थे, भिन्न भिन्न थे, ठीक है, और इसमें धारा क्या थी, समान थी, लेकिन इसमें धारा क्या है, भिन्न भिन्न है, और वोल्ट मीटर क्या है, समान है, ठीक है, इसमें वोल्ट मीटर समान है, तो हम जो भिन्न भिन्न वाला था उसी को लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर क्या है, भिन्न क्या है, तो अलग क्या है, आई वन है ना, आई टू है, तो इसी के अनुसार लगाएंगे। तो देखो हमने पढ़ा था सूत्र ओम के नियम में वी बराबर आई आर पढ़ा था, तो जब हम आई का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वी बटे आर बराबर आई, इतना आएगा कि नहीं, समझ रहे हो, इतना आएगा ना, तो इसी में हम मान डाल देते हैं, V बटा R बराबर ये P बनेगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल वाला है ना, पैरेलल वाला है तो इसका P करते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, I1 है तो इसका क्या आएगा, मैंने कहा था V क्या होता है, बराबर ना, बदलेगा नहीं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, V बटे R1, ठीक है, प्लस V V2 बट सॉरी V बटे R2, ठीक, V बटे R3, ठीक है, इतना समझ में आया, नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया है तो बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो कि V बटे R की तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बराबर इन तीनों में V कॉमन मिल रहा है, तो ऐसे ले लेंगे, एक बटे R1 बचेगा, प्लस एक बटे R2 बचेगा, और प्लस एक बटे R3 बचेगा, ठीक है, अब ये भी और ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बटे आर पी बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ठीक है, अगर इसमें पूछ दे कि इस परिपथ में, ठीक है, इस परिपथ में रेजिस्टेंस का मान कितना है, ठीक है, सभी रेजिस्टेंसों का योग पूछेगा, क्या कहेगा, योग, यानी प्रतिरोधकों का योग कितना होगा, किसमें, इसमें, ठीक है, परिपथ में प्रतिरोधकों का योग कितना होगा, ऐसे वाले में, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, और अगर सीरीज ऑर्डर वाला है, ठीक है, और पूछ दे कि प्रतिरोधकों में योग कितना होगा, तो क्या लगाओगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसके लिए होगा, सीरीज ऑर्डर के लिए, ठीक है, जब हमारा प्रश्न इस फॉर्म में होगा, ठीक, समझे, इस रूप में होगा, ठीक है, तब हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला, ठीक, ये वाला, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक, इतना समझ में आ गया, तो इससे रिलेटेड अब इतना समझ में आ गया, तो इससे संबंधित मैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, ये सूत्र और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैंने कहा था कि श्रेणी क्रम और समांतर श्रेणी क्रम से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को हल कराऊंगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, किससे, श्रेणी क्रम से, सीरीज ऑर्डर से, ठीक, तो सबसे पहले और कुछ नहीं, हमें सूत्र मालूम होना चाहिए, क्या था, R इज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इतना हमें मालूम होना चाहिए, समझे, और तो हमारा क्वेश्चन क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर एक, ठीक, क्वेश्चन नंबर एक है कि दिए गए परिपथ में, क्या, दिए गए परिपथ में, अब कोई परिपथ दे रहा है ना, परिपथ परिपथ दे दिया माना ऐसे करके, ठीक, ये क्या हो गया, परिपथ, ठीक है, ये हो गया R1 और ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3, ठीक है, ये तुम्हारा परिपथ हो गया, परिपथ हो गया, ये तुम्हारी कुंजी हो गई, क्या हो गई,
यह है तुम्हारी कुंजी, क्या है कुंजी कहते हैं प्लग को, ठीक है, वो बटन को ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है। ये क्या है, बैटरी है, क्या है बैटरी, ठीक है। इसमें क्या है, वोल्ट भी तो प्रभावित हो रहा होगा, ठीक, वोल्ट मीटर ना, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर टोटल होना चाहिए, ठीक, ऐसे करके देगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या करेंगे, अब देखो इसमें आई भी धारा प्रवाहित हो रही होगी ना, आई प्रवाहित हो रही है, आई आई आई, ठीक, आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए परिपथ में, ठीक है, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों प्रतिरोधों का योग कितना है तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए, इसका धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझे, धारा का भी मान ज्ञात कीजिए। जबकि क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा आर बराबर 5 ओम है, ठीक है, आर टू बराबर 6 है, 6 ओम है, आर थ्री बराबर कितना है, 10 ओम, ठीक है, ऐसे इनके मान दे देगा ना, और वोल्ट मीटर बराबर कितना देगा, माना ये वोल्ट मीटर बराबर 8 वोल्ट दे दिया, ठीक, कितना 8 वोल्ट, ठीक, क्वेश्चन ऐसे करके देगा, ठीक है। और पूछेगा कि आई कितना है, देखो दिए गए परिपथ में, कितना दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों का योग कितना है तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले कहा है योग, किसका, प्रतिरोधकों का योग, ठीक, तो प्रतिरोधकों का योग निकालना है हमें, पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये कौन से ऑर्डर में है, कौन से ऑर्डर में है, सीरीज ऑर्डर में, ठीक है, श्रेणी क्रम में है ना, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, आर एफ, फॉर्मूला क्या था, आर एफ बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, समझे, ये फार्मूला था। तो देखते हैं टोटल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कुल योग, ठीक है। तो आर वन कितना था, 5 प्लस आर टू 6, आर थ्री 10, 21 हो जाएगा, 21 ओम। आर एस बराबर कितना आ गया, 21 ओम, ठीक है, समझे। जब हमारा आर एस 21 ओम आ गया तो हम देखेंगे कि इसके बाद क्या कह रहा है, धारा मतलब आई पूछ रहा है ना, आई पूछ रहा है कितना है आई, तो देखते हैं, हमने पढ़ा था वी बराबर आई आर, तो इसमें वी बटे आर हो जाएगा क्योंकि हमें आई का मान निकालना है, ठीक है। तो आई कितना है पता नहीं, वी कितना है 8, आर कितना है टोटल 21, क्योंकि इस परिपथ में टोटल निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ना आई कितनी प्रवाहित हो रही है, तो कितना जाएगा। अब तुम आई का पता नहीं तो क्या करेंगे, भाग देंगे, ऐसे भाग नहीं दे पाओगे तो ऐसे कर लेना, 8 और 21, ये ज्यादा है तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 4 बार मिल जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा 3 बार मिल जाते हैं, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ से कहाँ से लिया, 10 हो गया, 10 में से 3 घटाए 7, अब यहाँ क्या हो गया 1, 7 बचा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, अब कितनी बार में जाएगा, अब जाएगा बताओ 8 बार में, 8 बार में जाएगा, 8 एकम 8 दुना 16, आठ दुना 16, तो यहाँ से कहाँ से लिया, 10 में से 8 बेटा 2, समझे, तो अब नहीं कटेगा ना, तो हम पॉइंट के 2 अंक वाले संख्या को ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या 2 आती है उनको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं,
तो I बराबर हमारा मान कितना आ गया 0.32 सॉरी 38 कितना है, और I का मान हमारा किसमें निकलता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। ठीक, समझ गए, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे मैं करवा दूंगा, और आपको भी करना है, जितने भी कॉपी किताबें मिले उनमें से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन ऐसे मिले ना तो उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करवाऊंगा, और इसके बाद पैरेलल सीरीज से रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इतना नोट हो गया ना, इतना नोट कर लिया है, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको आपको हल करना है। ठीक है, हमारा पहले दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा 5 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है तथा उसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तथा उनके मान क्रमशः 8 ohm, 9 ohm, 7 ohm दिए गए हैं। तो परिपथ में विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए, विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा 5 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है तथा उसमें R1, R2 और R3 प्रतिरोध लगे हुए हैं तथा उनके मान क्रमशः 8 एम्पीयर, 9 एम्पीयर और 7 एम्पीयर दिए गए हैं। सॉरी, 8 ओम, 9 ओम और 7 ओम दिए गए हैं। ठीक है, तो परिपथ में विद्युत विभवांतर की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और थोड़ा लिख दीजिए, R1, R2 और R3 प्रतिरोध समान दिशा में लगे हुए हैं, किसमें, समान दिशा में। ठीक है, या एक ही क्रम में लगे हुए हैं, प्रतिरोध एक ही क्रम, ठीक है, एक ही क्रम में लगे हुए हैं तथा उनके मान क्रमशः 8 ओम, 9 ओम और 7 ओम है। ठीक है, तो परिपथ में विद्युत विभवांतर की गणना करना है। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने चित्र मिल गया था। ठीक है, क्या मिल गया था, चित्र, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया, तो डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया है। तो देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया है, धारा, क्या दिया है, धारा, और प्रतिरोध दिया है 8 ओम, 9 ओम और 7 ओम। ठीक है,
अब देखाएंगे कि ये कौन से फॉर्म में है, सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो देखेंगे प्रतिरोध एक ही क्रम में लगे हुए हैं, प्रतिरोध एक ही क्रम में क्या हुए, लगे हुए, एक ही क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कहा है उनके मान क्रमशः 8, 9 और 7 की। फिर कहा है कि तो परिपथ में विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए, विद्युत विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिक डिफरेंस, ठीक है, समझे। तो हम देखेंगे कि चित्र तो दिया नहीं है, तो चित्र हम क्या करेंगे, अपने आप बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखें, तो हमें पता है तीन है रेजिस्टेंस, तो पहला 1, 2, 3 ऐसे बनेगा, ठीक है, समझे। क्योंकि सीरीज ऑर्डर में थे ना, एक ही क्रम में थे, तो हमने एक क्रम में बना दिया, ठीक। तो ऐसे बनाएंगे, परिपथ तो ऐसे होता ही है, ठीक है। उस पर क्या होगा, एक बैटरी होगी लगी, ठीक, समझे। उस पर कुंजी अपने आप बना देना, ठीक है, समझे। इसमें क्या वोल्ट मीटर हमें निकालना है, वोल्ट मीटर यही तो होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर यहाँ होगा। आर वन कितना दिया था, आर वन इसको लिख लो, आर वन बराबर 8 ओम, आर टू बराबर 9 ओम और आर थ्री बराबर 7 ओम, ठीक, इतना समझे। इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी, आई आई धारा, ठीक है, ठीक। तो आई का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर, ठीक, बन गया चित्र, अब कोई टेंशन तो नहीं है। अब इसी तरीके से आप चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। अब बना लेंगे तो क्या रहा है कि विद्युत विभवांतर की गणना करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि विद्युत विभवांतर गणना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी बराबर आई आर, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि आर तो हम पता नहीं कौन सा ले लें, ये लें कि ये लें कि ये लें, हमें पता नहीं है ना कौन सा लेना है। तो क्या करेंगे, इनका योग करेंगे, क्या करेंगे, योग, ठीक है। तो हमें पता था आर एस बराबर क्या होता, आर वन आर टू आर थ्री, ठीक। तो आर एस बराबर टोटल क्या निकल के आएगा, 8, 9, 7, 9, 8, 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24 ओम, ठीक है, समझ गए। आई हमें पता है, वी पता नहीं है, तो मान डाल देंगे, ठीक है। तो वी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आई आर, आई हमारा 5 दिया है, गुणे आर कितना, 24, 5 चौको 20, 5 दो 10 दो 12, 120 वोल्ट आ गया, क्यों, समझ में आया कि नहीं। इतना समझ में आ गया तो इसके बाद हम पैरेलल सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिले, ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो कमेंट में करना, और अगर ये आपको समझ में ना आया तो कमेंट में करके बताना कि क्या समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो मैं इसको साफ करूंगा और पैरेलल सीरीज को बताने जा रहा हूं, ठीक है। समांतर श्रेणी क्रम, ठीक है, समांतर
श्रेणी क्रम, अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सवाल लगेंगे और कैसे आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, प्रश्न नंबर एक कह रहा है, ठीक, कि प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। क्या करेंगे? धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो जैसा कि हम सीरीज ऑर्डर के बारे में बता चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं, तो इसके बाद हम पैरेलल सीरीज के बारे में बताएंगे। पैरेलल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी क्रम समांतर श्रेणी क्रम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे हुए होते हैं वो किस क्रम में होते हैं। ये आपकी कुंजी हो गई और ये आपकी बैटरी हो गई। बैटरी वोल्ट की, वी वोल्ट की, और ये आपके क्या हो गए? प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस हो गए, यानी कि पैरेलल सीरीज में रेजिस्टेंस इस क्रम में लगे होंगे, ठीक है। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देख लें, धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही होगी, ठीक, इधर तो आई प्रवाहित हो रही होगी लेकिन इधर जाएगी तो बदल जाएगी, इसमें आई वन हो जाएगी, आई टू और आई, क्योंकि इसकी दिशा भी बदल रही है ना, ठीक है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो माना कोई चालक है जिसमें जिसमें प्रतिरोध R1, R2, R3 क्रमशः पांचों है, ओम और नौ ओम। माना कोई चालक जिसमें प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्रम से 5 ओम, 6 ओम और 9 ओम है, ठीक है, तथा इस पर 20 वोल्ट का विद्युत विभवांतर है, ठीक, 20 वोल्ट का विद्युत विभवांतर है, ठीक है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। ठीक है बताइए। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माना कोई चालक है, ठीक है,
पहले इतना समझ में आ गया ना कि ऐसे होगा पैरेलल सीरीज में, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है वैसा वैसा हम क्या बना लेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है माना कोई चालक है, ठीक। चालक मतलब परिपथ, क्या दिया है परिपथ। माना कोई परिपथ है जिसमें प्रतिरोध आर वन आर टू और आर थ्री है, ठीक है, क्रमशः दिए गए हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर ऐसे समझ में ना आए तो देखोगे कि 20 वोल्ट दिया है, क्या दिया है 20 वोल्ट, ठीक, समझे। तो इसमें क्या होता था, हम लिखते थे कि जो V था, V हमारा क्या होता था, कॉमन, पैरेलल सीरीज में V हमारा कॉमन होता था, ठीक है, कॉमन होता था। और सीरीज ऑर्डर में क्या था हमारा, आई कॉमन होता था, ठीक है, सीरीज के लिए क्या था, ये कॉमन था, ठीक, समझे। और ये पैरेलल के लिए कॉमन है, ठीक है, समझे। देखो 20 कॉमन दिया ना सबके लिए है, इतना समझ में आया। तो फिर इसके बाद हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, देखते हैं। हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि तीन रजिस्टेंस है तो तीन बनाएंगे, ठीक। वैसे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं जाता है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा तब ऐसे करेंगे, ठीक है, देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं दिया है, ठीक है। ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है, जैसे क्रमशः इतने इतने दिए हुए हैं, आर वन आर टू और आर थ्री दिए हुए हैं, ठीक है, और लिख देगा क्या कि ये किस क्रम में है, समांतर श्रेणी क्रम में है, ऐसे लिख देगा, या फिर लिख देगा पार्श्व क्रम में, इसको ये भी कहते हैं पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, अथवा करके लिख लेना, ठीक। अब इसमें हमारी ये बैटरी कितने दी थी, कितने वोल्ट की दी थी, 20 वोल्ट की हमारी बैटरी दी है, ठीक है, या कुंजी तुम अपने आप मान लेना, ठीक। और जो हमारी धारा थी उसका मान हमें निकालना है ना, ये धारा I है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, ठीक है, I1, I2 और I3, ठीक, समझे। तो देखते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम हल करते हैं इसको, ठीक है, कितना आंसर आता है हमारा। तो सबसे पहले I1 और I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, समझते हैं। तो देखो सूत्र क्या था हमारा, V बराबर IR था, ठीक, इससे निकालेंगे ना, इस सूत्र से। तो सबसे पहले V बराबर I1 R के लिए निकालते हैं ना, V बराबर I1 R के लिए, ठीक। तो हमारा I1 निकालना है, तो क्या करेंगे, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर होगा V बटे R1, इतना होगा। तो I1 बराबर कितना आया, V कितना है 20 है, R1 कितना दिया है, R1 दिया है 5 ओम, 5 चक्के 20, I1 बराबर कितना दिया, 4 ओम दे देगा, क्यों, तो हमारा I1 बराबर 4 ओम निकल गया। तो इसी प्रकार हम दूसरा भी निकालेंगे, I2, क्या निकालेंगे, I2, क्योंकि हमें निकालने को क्या कहा था, धारा का मान। अब धारा का मान ये थोड़ी कहा कि इसका निकालो या इसका निकालो, इसने कहा कुल धारा का मान ना, सिर्फ धारा का मान कह दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुल धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो I2 निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसी के अनुसार V R2 लगा दें, V बटे R2, समझ रहे हो ना। तो V हमारा 20 है, R2 कितना था हमारा 6, कितना जाएगा 6 से 18 और पॉइंट लगाए तो 2 6 दुनी 12 6 से 18 ऐसे जाएगा, ठीक है, एम्पियर, सॉरी ये ओम नहीं होगा, एम्पियर होगा, क्या होता है, ठीक। तो I2 का मान हमारा कितना आएगा, 3.33 एम्पियर, ठीक है। अब बचा क्या, I3 बचा,
अब आई थ्री का मान निकालने के लिए वी बटे आर थ्री, तो वी कितना था 20 था और आर थ्री कितना था 9, तो 9 × 18 ठीक है। पॉइंट लगाया, 2 हाथ से बचा था, पॉइंट लगाएंगे तो 20 फिर हो जाएगा, फिर 9 × 18 तो ये ऐसे लगातार जाएगा ठीक है। तो आई थ्री बराबर कितना आ जाएगा 2.22 एम्पियर में ठीक। हमारे आई वन और आई टू और आई थ्री के मान तो निकल गए ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, कुल धारा निकालनी है ना। कुल धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, आई बराबर मानते थे, आई बराबर क्या मानते थे, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री समझे। तो इस पे हम मान डाल देंगे, आई वन कितना निकला 4, आई टू 2.22 प्लस आई थ्री उल्टा हो गया ना, अच्छा ये आई टू ये है 3.33 और ये आई थ्री कितना 2.22 ठीक है। अब इनको क्या कर दें, जोड़ देंगे ठीक। पहले ये 4 ऐसे ही रखो ठीक है, 2 और 3 5 2 3 5 3 2 5 ठीक। और ये क्या हो जाएगा 5 9 5 5 एम्पियर। तो हमारा टोटल जो है यानी कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 9.55 एम्पियर ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया हो तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा।